वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा और आखिरी परमाणु बम गिराया। यह हमला जापान के आत्मसमर्पण को तेज करने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर सके। इस हमले ने शहर को भारी तबाही पहुंचाई और हजारों लोगों की जान ले ली। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जापान की परमाणु हमले के बारे में। नाजरीन, NN World की फिर से एक नए वीडियो पे आपका खुशामदीद। इस हमले में फैटमैन नामक प्लूटोनियम परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी विस्फोटक शक्ति लगभग 21 किलोटन TNT के बराबर थी और बम एक B-29 और बम वर्षक बॉक्सकर से गिराया गया था। यह बम शहर के ऊपर लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह बम फट गया था। तत्काल इस विस्फोट से अत्यधिक गर्म उजाला और सदमे की लहरें उत्पन्न हुई, जिससे हजारों इमारतें तुरंत नष्ट हो गई और शहर का अधिकांश भाग तबाह हो गए थे। अनुमान है कि विस्फोट के 1 सेकंड के भीतर लगभग 40,000 लोग मारे गए और अगले कुछ महीनों में विकिरण से संबंधित बीमारियों से हजारों लोग मारे गए। हमले के 5 साल बाद अनुमानित मृत्युओं का संख्या लगभग 74,000 से अधिक थी। नागासाकी पर हुए हमले के ठीक 3 दिन पहले हिरोशिमा पर पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। नागासाकी पर हुए हमले के बाद सोवियत संघ ने भी मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इस घटनाओं के संयुक्त दबाव में 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। आज भी हमें जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के ध्वंस स्तूप स्थान, परमाणु तथा हथियारों की भयावहता आज भी याद दिलाते हैं। नागासाकी पर हुए हमले ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति और उनके उपयोग किए जाने वाले नैतिक निहार तत्वों के बारे में दुनिया भर की जागरूक कर बढ़ाई। इस हमले ने शहर को भारी तबाही पहुंचाई और हजारों लोगों की जान ले ली। यह हमला आज भी परमाणु हथियारों के उपयोग की नैतिक और राजनीतिक निहितार्थों के बारे में चर्चा जन्म देता है।